हाय एवरीवन, सो मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिता तो सारे ने मेरी यूट्यूब वीडियो पे, मतलब इन्ने सारे लोगों के मैसेजेस से गए कि मैम एज अ मेकअप आर्टिस्ट ही सानू सिखाओ और तुसी जिन्ना ज़्यादा मतलब बोलने वाली वीडियोस बनाने सानू बहुत ज़्यादा पसंद आनी है, रिपीटेडली देखते थोड़ी वीडियोज़, तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो। बेसिकली आज मेरे बच्चों का है फाइनल डे, सो ये पहला दो होते हैं फाइनल डेज, एक आज एक कल, बिकॉज मॉर्निंग बैच का आज है। सो मैं मेकअप करने वाली थी और मैंने सोचा ये भी लुक आपके साथ शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इससे पहले लोग मुझसे पूछे हैं कि मैम तुम केड़े ब्रशेज़ यूज़ कर रहे हो। आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये पैक के ब्रशेज, दिस इज 32 पीस ब्रश सेट फ्रॉम प्रो एक्सक्लूसिव कलेक्शन है पैक की। ये ऐसे आता है, यू नो इसके साथ टाल भी है, इसके साथ मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं खोल लिया सीखा हूँ। सो ये ऐसा है एंड ये है ऐसे सेट, ये इसका बेल्ट भी है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग अपने पेट पे बांध सकते हैं। एंड ये ऐसे ओपन होगा एंड सी, इसमें से कुछ ब्रशेज मैंने अपने वेंडे में रख भी लिए हैं यूज़ करने के लिए, क्योंकि ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा सुंदर और इतनी ज़्यादा वैरायटी है ब्रशेज की कि मतलब मुझे लगता है इसके बाद हमें कोई और ब्रश सेट की ज़रूरत नहीं है। डे बाय डे ब्रांड्स जो हैं बहुत ही अच्छे अच्छे वे से ब्रशेज के ब्रिसल्स और ब्रशेज के कलेक्शन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के साथ आ रहे हैं कि अगर एक सेट ले लोगे तो भी आप लोग बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो। सबसे पहले करने वाली हूँ मॉइस्चराइज, मैंने टोनर ऑलरेडी लगा लिया है, टोनर से स्किप भी कर सकते हो, रोज टोनर कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एम्ब्रोलिस का लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर। स्किन प्रेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो ड्राई हो चाहे वो ऑयली हो, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपने मॉइस्चराइजर सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बोलूँगी जिनकी स्किन इज़ वेरी वेरी ड्राई तो वो लोग यूज़ कर सकते कोई भी थिक मॉइस्चराइजर, जिनकी स्किन इज सुपर ऑयली दे कैन यूज़ वाटर बेस, अगर सुपर से भी सुपर ऑयली है देन दे कैन डायरेक्टली यूज़ देयर सनस्क्रीन, स्किप द मॉइस्चराइजर। सो रूटीनली मुझे हमेशा सनस्क्रीन लगाना ही पड़ता है जो मर्जी हो जावे, अगर मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती तो मेरी स्किन यू नो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, आई कैन सी ह्यूज चेंजेस जब तो मैं सनस्क्रीन लगाना शुरू करती है। सो डेफिनेटली हाईली रिकमेंड एवरी वन टू पुट सनस्क्रीन, यू नो अच्छे अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन लगा सकते हो, लाइट वेट सनस्क्रीन लगा लो जिन्हें ऑयली स्किन है, और जो डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सी सनस्क्रीन लो तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, मेरी सनस्क्रीन की ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है यूट्यूब पे, तुम वो जाके ले सकते हो ना जो ऑप्शंस। ये मुझे इसलिए अच्छी लगती है, इट्स वेरी लाइट वेट, इट इज़ लाइक सेरामाइड बेस, सेरामाइड बेस है तो मॉइस्चराइज के साथ करती है, जितनी मर्जी लगा लो इसका कोई वाइट कास्ट नहीं है, इसलिए मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। नेक मत भूलिएगा प्लीज़। सो गाइस कंफ्यूज ना होना, मैं इधर और इधर दोनों साइड देखूंगी, बिकॉज यहाँ पे मेरी बन रही है इंस्टाग्राम का छोटा सा ट्यूटोरियल और इधर बन रहा है यूट्यूब का फुल फ्लैश डिस्क्रिप्शन वाला ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले लगाने लगे ऑरेंज, ओके दीज आर द पॉइंट्स। पैक का ब्रश यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा ऐसा है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू blend it on concealer, ये है from Huda and the shade is mango. Next step is dark color concealer and the shade is 005 from Forever, और ये बहुत ही ज़्यादा creamy है और मैं ये वाला brush use कर रही हूँ just to blend the dark color का concealer to hide all the darkness. सो मैंने एक साइड कर लिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी कर रही हूँ ना, तो इसीलिए हल्का सा मैंने लिया डार्क कलर का करेक्टर, उन देख लो कितना यूज़ कर रही हूँ ब्रश के नाल। मैं बहुत ज़्यादा टाइनी ब्रशेस नहीं यूज़ करती बिकॉज इट टेक्स टाइम, मेरे को टाइम नहीं है फालतू। सो मुझे सब कुछ ओके, इतनी स्पेस छोड़ के मैं फिर डार्क कलर का करेक्टर लगा रही हूँ एंड डैप डैप कर रही हूँ जहाँ पर मुझे लगता है डार्कनेस है। प्लीज़ ड्रैग करना बंद करो, जिस दिन करना बंद कर दूँगा ऑटोमेटिकली तुम दोबारा प्रोडक्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड दिस इज़ डन। सो ये बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ यूज़ लिए यूज़ किया और मैं बहुत टाइम बाद दोबारा कंसीलर कर रहा था, इस नेचुरल शेड में हल्का जो आइवरी भी यूज़ करूँगी, आई थिंक आइवरी शेड है इसका गोरे वाला, जस्ट टू हाईलाइट माई फेस, आई एम जस्ट गोइंग टू डॉट इट। सबको पता ही है मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहती, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू कीप इट वेरी सॉफ्ट वेरी सिंपल ताकि उसे कट विच बहुत कुछ अच्छा सीख सकूँ। सो ये है क्लोजअप लुक, देख लो भाई किन्ना लगाना है, पर किन्ना लगाइए नहीं तो फिर तुम कहोगे मैम प्रोडक्ट किन्ना ज्यादा से। तो एक टेक्निक दस दूँ, हूँ मेरे को नेचुरल शेड हैगा बट मेरे को मैंने एवरी कंसीलर वो पसंद है, हूँ मेरे ये आइवरी नहीं मिल रहा है तो मैं यदा आइवरी ले लाँगी, यार क्या फर्क पैदा। तो बस आपको ये बताना चाहिए कि हाँ भी प्रोडक्ट जो भी लगा रहे हो
वो ड्राई स्किन पे काम करता है कि ऑयली स्किन पे काम करता है, हमेशा याद रखना। अब मैं पैक का ये फ्लफी सा थोड़ा सा ब्रश है, इसके ब्रिसल्स ऐसे हैं बड़े से छोटे, ये वाले ब्रशेज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मुझे कवरेज भी चाहिए, प्रोडक्ट नॉर्मल लगाया है कवरेज चाहिए और मुझे ब्लेंड भी करना है, ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा यूज़ नहीं करे तो आप ऐसे वाले ब्रशेज यूज़ कर सकते हो। इतनी साइड में ब्लेंड कर ली थी, इतने देखो कितनी कवरेज है इसके। अभी मैंने सारे के सारे ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स यूज़ किए, मॉइस्चराइजर छट के मतलब थोड़े से एक्सपेंसिव है, तो जहाँ जहाँ पे आपको लगाना है वहीं वहीं पे आपको प्रेस करना है, ड्रैग नहीं करना। ओके सो दिस इज डन, आई एम गोइंग टू यूज माय ब्यूटी ब्लेंडर, सी एंड जस्ट डैब। आपने देखा कुछ भी ड्रैग नहीं किया अभी तक, सिर्फ डैब 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 करा। तो आप कंसीलर से भी फाउंडेशन की लुक अचीव कर सकते हो, यू नो तो उसी तुहाडे कोल एबिलिटी हैगी है। मेरे मैंने अपनी आईज का कलर बड़ा अच्छा लगता है, नेचुरली इन्नी सोना ब्राउन शेड है और मैं एरे ऊपर कभी भी कंसीलर नहीं लगाती, मैं इन्हें ऊपर ही ब्राउन शेडो लगा लेती हूँ एंड गिव्स मी अ वेरी नाइस एंड नेचुरल डेप्थ। सो द ब्लेंडिंग इज ऑलमोस्ट डन, लेट मी जस्ट शो यू अ क्लोज अप लुक। नाउ दिस इज द क्लोज अप, क्लोज अप। सब मैं यूज़ करने वाली बेनिफिट का टेंट होने एक्सपेंसिव है, ठीक है, दो आंदे थोड़ा ये ज़्यादा पिगमेंटेड, मतलब ऑलमोस्ट डन ही है। Just going to press it here and I'm blending it with my fingers. Or even you can blend it with your brush also. See, in a way, मलना नहीं आएगा। Just press it softly, guys. Move है guys. प्यार ना deal करो. See, without blush. तो मैं मोका शेड यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम फेंटी ब्यूटी, जिन्ना मूँह बहुत ज़्यादा पतला हैगा उन्हें वास्ते कलर है, या फिर जो लोग डार्क कलर नहीं यूज़ करना चाहते उन्हें वास्ते फेंटी का कलर इज अमेजिंग टू कॉन्टोर देयर फेस। तो मैं कर रही हूँ ब्रश, ये मैं ब्लशर वास्ते भी यूज़ किया तो हूँ मैं कॉन्टोर वास्ते भी कर रही हूँ। हमें करने वाली हूँ आईब्रोज, इनका इसका ब्रश बहुत ही अच्छा है यार, बहुत ही प्रिसाइज है, पतला सा छोटा सा, तो आराम से आप आईब्रोज ऐसे बना सकते हो और इवन कि आप बड़ा जो मुँह है बट जो के इधर इधर करके ना इधर इधर करके भी स्ट्रोक्स भी दे सकते हो ताकि इधर इल्यूजन हो, ओहो तो वाल बहुत बढ़िया, ठीक है दिस इज डन। ओके सो मैं पाउडर सेटिंग कर रही हूँ, सारे के सारे ब्रशेज जो हैं वो आज पैक के ही यूज किए हैं और बहुत बढ़िया हैं। पहले लगाएं फिर हल्का हल्का धीमे हाथों से उठाएं और उड़ाएं। पाउडर सेटिंग के बाद हम लोग करने वाले हैं कॉन्टोर, जैसे मेरी हालत देख लो ना कितनी फंसी हुई है कुछ ओके सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड देना और जस्ट कि दिस ब्रश इज रियली सी द ब्रश की शेप इज सो गुड एंड हल्का सा आई एम जस्ट गोइंग टू गिव लिटिल शेप टू माय नोज आल्सो एंड देन द फोरहेड एरिया। Nice, face is looking so good. So मैं यूज़ करने वाली हूँ बिल्कुल खाली होती है, मैं लगता है वाले ब्लशर्स हूँ आई थिंक डिसकॉन्टिन्यू हो गए हैं, ऐसे के टाट थे इसका, ये पीच शेड मेरे बहुत अच्छा लगता था, मैंने वही लगा दी, मैं खत्म भी तो करना जरूरी है। मैंने कभी कभी ब्लशर्स ऐसे ही पसंद होते हैं जिन्होंने बिल्ड करना हो, यू नो एक बार चल लगने चाहिए, दो तीन एप्लीकेशन तो बाद रिजल्ट आ रहे, वो ब्लशर सबसे ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा यू नो ऐसे लगते हैं जैसे मक्खन जैसे मेल्ट हो जाते हैं आपकी स्किन में। अखा वास्ते थानू कोई भी यू नो कलर लैन की ज़्यादा लोड़ नहीं है, यू कैन टेक योर ब्राउनर, अगर डार्क कलर रहेगा तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा एंड जस्ट ब्लेंड। और यही वाला ब्रश एंड जो टू ब्लेंडेड आँखों के नीचे सो जो मस्कारा यूज़ कर रही है फ्रॉम मैक, यह वॉन्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बहुत देर तक इन कॉन्टीन्यूसली यूज़ किया है, बट हूँ बजट फ्रेंडली मस्कारा बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। अच्छे तरीके ना लिफ्ट करो अपनी लैशेज, मैं पहले लैशेज नू कर्ल किया एंड देन मैं लगा रही हूँ मस्कारा। थोड़ा टाइम दो भाई, लगाओ फिर दूसरी साइड से लगाओ फिर ब्रेक दो फिर दोबारा एक री एप्लीकेशन ज़रूर करो, लैशेज को बहुत सोना लिफ्ट मिल जाता है। तो मैंने न्यू काजल पेंसिल यूज़ किया है, दिस इज़ फ्रॉम रिकोड, और बस वाटर लाइन पे लाइन अप कर लिया और उसके बाद मैं नीचे लगाऊंगी आई शेडो ब्राउन कलर का ताकि ये थोड़ा सा और सॉफ्टर लुक दे, पर लुक एट इट यार इट क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस यू नो। तो कोई भी जिन्होंने अखा अपनी बड़ियाँ करनी है कोई भी न्यूड पेंसिल यूज़ कर दें, गो विद न्यूड पेंसिल्स, वाइट पेंसिल्स ने अवॉइड की बजाय। ओके सो हूँ मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर की शेडो एंड आई एम जस्ट गोइंग टू लाइन माई लोअर लाइन,
स्किन लुक्स सो नाइस। आई मीन तद लग रही मैं डॉल लग रही हूँ। दूसरी से भी लगा ली कम्प्लीट लुक मैंने लिप पर लगा लिया है। अगर मैं पता नहीं मेरा शॉट आया कि नहीं आया, मैंने ये वाला शोपेरल का लिप पैलेट यूज किया, मैंने ये वाला शेड यूज किया, फर्स्ट टाइम यूज किया, इट इज अमेजिंग है। मुझे लिप बाम की जरूरत नहीं पड़ी एंड मुझे लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी ये लुक कमेंट डाउन बिलो। ऐसी और वीडियोस के साथ तुम्हारे लिए आ रहे हैं। सो ऐसे देखते रहे सानू, ऐसे मैसेज करते रहो, ऐसे प्यार देते रहो। चलता लव यू ऑल, बाय बाय।